बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही व बारिक वसल्लम। वेलकम टू इल्म की दुनिया इन कैंपस टॉपिक। ये स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके रिज़ल्ट के मुतालिक, क्योंकि इस बार तमाम वज़रा तालीम की जानिब से मुत्तफ़िका तौर पर यह फ़ैसला किया गया था कि 10वीं और 12वीं जमात के तमाम तलबा को लाजमी तौर पर पास किया जाएगा, यानी कोई भी बच्चा इस बार 10वीं और 12वीं जमात के तलबा में से फ़ेल नहीं होगा। इस हवाले से अभी रिसेंटली इंटर बोर्ड कराची ने एक ट्वीट जारी की। उस ट्वीट के मुताबिक उन्होंने वजाहत ये की कि वो तलबा जिन्होंने बोर्ड के इम्तिहानात में शिरकत इख्तियार की, चाहे उनके मार्क्स जितने भी कम हैं, वो लाजमी तौर पर पास होंगे। यानी शिरकत जिन्होंने की, यानी वो बच्चे जो इम्तिहानी सेंटर में आए, जिन्होंने अपना क्वेश्चन पेपर लिया, आंसर शीट ली, अपनी अटेंडेंस लगाई, यानी वो उन्होंने शिरकत इख्तियार कर ली, अब चाहे उनके जितने भी कम मार्क्स हैं वो लाजमी तौर पर पास कर दिए जाएंगे। अब उसके बाद जिन्होंने दाखिला भेजा था लेकिन वो इम्तिहानी सेंटर में नहीं आए, उन्होंने आकर पेपर दिया ही नहीं, अटेंडेंस ही नहीं लगाई, तो वो उन्हें पास नहीं करेंगे। यानी इस हवाले से वाज़े तौर पर ट्वीट जारी की गई इंटर बोर्ड कराची की जानिब से। ये फ़िलहाल कराची बोर्ड ने जो ट्वीट जारी की है, यानी कराची बोर्ड का ये फ़ैसला है कि वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को पास करेंगे जिन्होंने अपनी जो शिरकत इख्तियार की, अपने पेपर के लिए इम्तिहानी सेंटर में आए, अटेंडेंस लगाई, आंसर शीट ली, क्वेश्चन पेपर लिया और कुछ ना कुछ पेपर हल करने की कोशिश की। उसके बाद चाहे उनके जितने भी कम नंबर होंगे उनको कम से कम 33% मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बच्चे टोटली आए ही नहीं इम्तिहानी सेंटर में, जिन्होंने शिरकत ही इख्तियार नहीं की, उन्हें इंटर बोर्ड जो है वो पास नहीं करेगा 10वीं और 12वीं जमात के तलबा को। ये फ़िलहाल इंटर बोर्ड कराची की जानिब से नोटिफिकेशन यानी ट्वीट जारी की गई है। अब इसके देखते हुए क्या दीगर जो बोर्ड्स हैं वो भी इसी फैसले को अपनाते हैं, क्योंकि अभी किसी और बोर्ड ने इस हवाले से कोई ना ट्वीट जारी की और ना कोई इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया कि वो भी इसी सूरत हाल को अपनाएंगे कि वो सिर्फ उन्हीं तलबा को पास करेंगे जो इम्तिहानी सेंटर में आए और जिन्होंने शिरकत इख्तियार की, और जो पेपर देने नहीं आए, जो इम्तिहानी सेंटर में नहीं आए, जिन्होंने शिरकत इख्तियार नहीं की इम्तिहानात में, उन्हें वो पास नहीं करेंगे। अब इस हवाले से अगर दीगर बोर्ड्स भी यही फैसला इख्तियार करेंगे या जो इस हवाले से वो ऑफिशियली तौर पर कोई भी स्टेटमेंट जारी करेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन तहाल इंटर बोर्ड कराची ने यह फैसला यकीनन कर लिया है और उसके बाद उन्होंने ट्वीट जारी कर दिया है कि वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को पास करेंगे जिन्होंने आकर शिरकत इख्तियार की, पेपर्स में आकर वो अटैम्प्ट दी उन्होंने, और अब अगर उनके मार्क्स जितने भी कम हैं वो लाजमी तौर पर पास होंगे, और जिन तलबा ने दाखिला भेज दिया लेकिन वो पेपर देने नहीं आए तो वो पास नहीं होंगे। ये इस हवाले से वजाहत दी गई है। आप तमाम तलबा के लिए बेस्ट विशेज। आप इस हवाले से जैसे ही कोई अपडेट आएगी, कोई पेश रफ्त आएगी, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और तालीम की खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए इल्म की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।